मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी लगातार जनता के बीच पहुंचकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर की विधानसभा 3 से बीजेपी ने युवा नेता गोलू शुक्ला पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में आचार संहिता लागू है। ऐसे में अब सभी प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी गोलू शुक्ला भी अपने विधानसभा में भ्रमण कर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान बीजेपी प्रत्याशी गोलू शुक्ला को क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जनता का बहुत जन समर्थन मिल रहा है और जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी और 3 नंबर भी हम बहुत बहुमत से जीतने वाले हैं। किस तरीके से जीतने का कितना लक्ष्य रखा है? हजारों मतों से विजय श्री प्राप्त करेंगे। विपक्ष में अगर देखा जाए तो प्रत्याशी व्यापारियों के बीच में भी जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष का काम कर रहा है, हम हमारा काम कर रहे हैं, हम भी जनसंपर्क कर रहे हैं। अश्विन जोशी भी समर्थन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो गड्ढे बीजेपी द्वारा दिए गए हैं उसको भरने का काम कौन समर्थन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। क्या मुद्दे लेके जनता के बीच में उतरे हैं? हमने विकास का मुद्दा, विकास भारतीय जनता पार्टी ने इतना किया है कि जो 70 साल में नहीं हो पाया वो हमने 9 साल में और शिवराज जी ने 18 साल में कर दिया। मध्य प्रदेश इंदौर आज नंबर 1 शहर है पूरे देश में। 6-6 बार विकास हुआ, टेम्पो से मेट्रो तक हम पहुंच गए, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गई है। और क्या भाई साहब, दोनों तरफ युवा हैं, टक्कर में भी युवा ही है। मैं तो कोई टक्कर नहीं मानता हूँ, निश्चित ही गोलू शुक्ला जी को ही देंगे। और यहाँ के ये चहेते नेता हैं और सोशली बहुत सक्रिय हैं और आपकी जितनी तारीफ करी जाए कम है। धार्मिक रूप से भी सक्रिय हैं और यहाँ इनका वर्चस्व है, निश्चित ही ये जीतेंगे। आज आपसे बात हुई है, क्या क्या बातें करी है? उन्होंने बोला है, उनका पूरा कॉन्फिडेंस है और उन्होंने बोला है कि मुझे ईश्वर की कृपा है और जन सहयोग मेरा पूरा है, इसलिए वो निश्चित ही विजयी होंगे। और आशीर्वाद लिया उन्होंने, ये वार्ड 58।